यमुनानगर के सिविल अस्पताल में देर रात एक महिला एम्बुलेंस में एक व्यक्ति का शव लाकर उसे छोड़कर फरार हो गई। जिस एम्बुलेंस में ये शव लाया गया था वह पंजाब नंबर की थी, लेकिन वह महिला कौन थी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। जबकि परिवार के लोगों का आरोप है कि जिस हिसाब से महिला का हुलिया बताया जा रहा है उससे तो ये लग रहा है कि सौरभ उसी महिला के चुंगल में फंसा था। बताया जा रहा है कि सौरभ ने इस महिला से 15 लाख रुपए लेनी थी, लेकिन महिला इसे ब्लैकमेल कर घर भी नहीं आने दे रही थी और पिछले 3 साल से सौरभ जीरकपुर में ही इसके साथ रह रहा था। हालांकि दिवाली के दिन सौरभ जगाधरी स्थित द्वारकापुरी में अपने घर पर भी आया था, लेकिन वह रात को भी नहीं रुक पाया। उसे बार बार फोन आ रहे थे और वह डरा सहमा वापिस जल्द ही चला गया। सौरभ ने शेयर मार्केट में पैसे इसी महिला के जरिए लगाए थे और अब वह सब कुछ गवा चुका था और उसके बावजूद उसे घर नहीं आने दिया जा रहा था। मेरे पति तो चंडीगढ़ जॉब करते थे, तो कल रात जब हमने फ़ोन किया उनका पूरे दिन में फ़ोन नहीं आया। तो जैसे वो रोजाना में फ़ोन करते थे बच्चों को मुझे, तो कल रात जब हमने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन ट्रामा सेंटर वालों ने उठाया और ट्रामा सेंटर वालों ने उठाकर ये कहा कि यहाँ पे कोई महिला बिना किसी रिकॉग्नाइजेशन के कि भी कौन है, कुछ नाम पता कुछ भी दिए बिना यहाँ पर डेड बॉडी फेंक गई है। पंजाब की एम्बुलेंस आई है जिसका नंबर PB 10-21-22 था। तो बस उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि भाई जो ये फ़ोन के मालिक हैं इनसे मेरी बात करवाइए। उन्होंने कहा कि ये डेड बॉडी पड़ी है यहाँ पर और आकर आप रिकॉग्नाइज करके और ले जाओ। तो बस कुछ पलों में मैं वहाँ पर पहुँची अपने भाई के साथ, तो मैंने ये देखा कि वो मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी थी। लेकिन उन्होंने ये मैंने पूछा उनसे कि भाई ये डेड बॉडी आपके पास कैसे आई, तो उन्होंने ये कहा कि कोई महिला थी वो एम्बुलेंस में थी पंजाब पुलिस की, वो लेकर आपके हस्बैंड को यहाँ पर फेंक कर, नहीं नहीं उन्होंने ही बोल, तो भाई यहाँ पर फेंक कर और वो चली गई है। और मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा आपने ये पूछना ज़रूरी नहीं समझा आपने कैसे वहाँ उसको शव को अंदर कर लिया, कि उसका कोई नाम नहीं था, पता नहीं था, नंबर नहीं था। वो तो हमने फ़ोन किया अचानक तो पता लग गया हमें कि भी डेथ हो गया, नहीं तो हमें कैसे पता लगता। बाकी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सब कुछ बयान हो ही जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद सिविल अस्पताल की CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। डेड बॉडी जो बंदे की मौत हुई है उसकी वाइफ ने ये बताया है कि मेरा हस्बैंड पिछले 3-4 साल से एक किसी लेडी के साथ रहते थे और ये अपना चंडीगढ़ में कैब का काम करते थे, तो 15-20 दिन में घर पर आते थे। तो लास्ट 15-20 दिन से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो उनको अभी जब बॉडी हॉस्पिटल में तभी पता लगा जैसे अगर किसी वाइफ की हस्बैंड की डेथ होगी तो उसकी मौत का कारण अभी पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद उसकी कॉज ऑफ डेथ का पता लग जाएगा और आगे कार्रवाई बाद में की जाएगी। अब देखना ये होगा कि सौरभ की मौत पर पुलिस इसे हत्या के मामले में बदलती है या फिर इसे महज एक हादसे का ही रूप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के CCTV चंडीगढ़।